दोस्तों, ये जो अगर पल्लू ऐसा सिकुड़ जाता है, ऐसा पल्लू, तो इसको कैसा साफ करते हैं? तो इसको क्या करेंगे, पिन लगा देंगे। एक पिन इस बाजू में लगा देते हैं और दूसरी पिन इस बाजू में लगाएंगे। ये अगर बहुत पुरानी साड़ी हो है तो इसको ज्यादा खींचना नहीं है। अगर ये इसको ज्यादा खींचेंगे तो ये फट सकता है। तो हम इसको वापस निकालेंगे। देख सकते हैं ये पूरा फैल गया है। तो फिर इसकी और हाइट बढ़ा देंगे। ये जो सिकुड़ गया था पूरा फैल गया है। ये साड़ी रोल पर अभी चढ़ रही है। ये साड़ी थोड़ी हमें अर्जेंट चाहिए थी, इसलिए ये साड़ी थोड़ी गीली है, इसलिए इसको सूखने को टाइम लग सकता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, 1 मिनट चढ़ाने के लिए, 1 मिनट घुमाने के लिए और फिर 1 मिनट उतरने के लिए 3 मिनट या 3 मिनट से पहले भी साड़ी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से ये धाप निकल रही है और ये जो बॉर्डर है, दोनों साइड की बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से शाइनिंग भी आ गई है साड़ी में। और आरारोट घोल के साथ हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टार्च भी यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है, साड़ी में कड़कनेस आ जाता है, थोड़ी शाइनिंग भी आ जाती है। ये जो बॉर्डर होते हैं इनके बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। तो इसी तरह से कि आप देखेंगे जो पल्लू था वो पल्लू बहुत सिकुड़ो वाला था, तो कितना भी पल्लू सिकुड़ने दो, कोई उसका टेंशन नहीं होता है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगा वो। मगर ये ध्यान में रखना है कि वो पल्लू जो है वो बहुत पुराना क्यों ना हो, अगर पुराना होता है तो वहाँ फटने के चांस रहते हैं। अगर जड़ काली पड़ गई है तो वहाँ पे वो फट सकता है, इसलिए कभी भी जड़ काली पड़े वाली साड़ी जो होती है तो वो देख के ही लेना चाहिए, कस्टमर को ऐसा बोलना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा प्लेन हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी सिकुड़ने दे दो। तो इसमें हमने NID, डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड और लास्ट के पाने में सॉफ्ट प्लस, इससे क्या होता है कि साड़ियों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। क्योंकि इसमें हम सोडा ऐश, डिटर्जेंट पाउडर कितना भी महंगा हो, या फिर डिटर्जेंट लिक्विड जिसमें व्हाइटिंग और कलर की भी प्रॉपर्टी हो, ऐसा कोई केमिकल से वॉश नहीं करते, हम स्पेशलिटी चलते हैं, जो कलर के कपड़ों के लिए स्पेशल है वह केमिकल यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि फिर हमारी क्वालिटी स्पेशल आ जाती है और खर्चा भी कुछ नहीं होता इतना। हमें साड़ी ड्राई क्लीन का खर्चा 2-3 रुपये नहीं होता है और रोल प्रेस के साथ हमें 5 रुपये तक खर्चा नहीं आता, मगर कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हम कंपटीशन भी कर सकते हैं रेट बढ़ाने में। तो कस्टमर अपने पास एक बार आ गया
तो इसी तरह का अगर उसको शाइनिंग दिखता है और अगर दूसरे लॉन्ड्री में देंगे अगर वो धुंधला सा हो जाता है तो फिर ये कस्टमर उसके पास दोबारा नहीं जाता। तो ठीक, इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।